आपकी बात कुछ समझ नहीं आई. ब्रैकेट क्लोज. समझ में आएगी बेटा, क्लास में आओ. हाँ बेटा, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, देन इट विल थिंक ऑल इट्स लाइफ दैट इट इज स्टूपिड. कुछ समझ में आया बाबूजी? इसका मतलब तो हम सब दो मिनट में बता देंगे. आप इसका अनुवाद करके बता दीजिए. बहुत सिंपल सा अनुवाद है बेटा, और ये सिंपल सी बात महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कही है. उन्होंने कहा है कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अगर आप एक मछली की क्षमता, उसकी काबिलियत उसके पेड़ पर चढ़ने से करेंगे, तो बेचारी सारी उम्र यही सोचती रहेगी कि वो तो सबसे बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता. बाबूजी अनुवाद तो मिल गया, अब अर्थ भी आप ही समझा देंगे तो अच्छा होगा. डॉट डॉट डॉट. कहने का मतलब है कि हर इंसान में एक प्रतिभा होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है जिसे आप एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं. वो टैलेंट उसका पढ़ाई में भी हो सकता है, खेलकूद में भी हो सकता है, आर्ट्स में भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है. जैसे कि मयूरी का टैलेंट डांस है, है ना मयूरी के बाबूजी? हाँ बिल्कुल. अब जैसे मयूरी डांस करती है और हम उसे कहें कि तू क्रिकेट खेल, और फिर इसे क्रिकेट खिलाकर हम इसकी योग्यता को उसके हिसाब से जज करें, तो सोचो क्या होगा. हाँ बाबूजी ये तो बहुत गलत बात है. डरते डरते बस यही बात मैं इस घोड़े, इस गधे घोटक को समझाना चाह रहा हूँ कि ये गिल्लू की क्षमता उसकी पढ़ाई से जज ना करे, बल्कि ये जानने की कोशिश करे कि उसके पास कौन सी टैलेंट है, और फिर उस टैलेंट को ढूंढकर उसे बढ़ावा देने की कोशिश करे. एक मिनट बाबूजी, आप ये कहना चाहते हैं कि गिल्लू को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा. पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, और स्कूल की पढ़ाई में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी जिंदगी में फेल हो गया. सॉरी बाबूजी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि गिल्लू का इंटरेस्ट फुटबॉल में. अब आप ही बताइए, फुटबॉलर बनके क्या कर लेगा ये? अरे 1% भी इसका इंटरेस्ट क्रिकेट में होता तो मैं इसे सपोर्ट भी करता, क्योंकि क्रिकेट में स्कोप है, पैसा है. हरिओम हरिओम. अब तू काबिलियत को पैसे से तोड़ रहा है बेटा. बेटा हर काबिलियत अपने आप में अलग होती है, और किसी भी काबिलियत को दूसरी किसी काबिलियत से तोला नहीं जा सकता. बाबूजी आप रहने ही दीजिए, यहाँ आपकी बातें सुन के ये जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है वो भी बंद कर देगा. ठीक है बेटा, मत मान मेरी बात, लेकिन तू भी जानता है कि मेरा पढ़ाया हुआ हर पाठ आगे चलकर वक्त ने तुझे समझाया है, इस बार भी समझाएगा, देख लेना. आज की क्लास यहीं खत्म. चल गट, अब मैं फ्री किक दिखाता हूँ. ठीक चल. गाज गिल्लू क्या चल रहा है ये सब? तुम दोनों के पास खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? होमवर्क कौन करेगा? पर ताऊजी मैंने होमवर्क कर लिया है, इसलिए मैं खेल रही हूँ. सीख, अपनी छोटी बहन से कुछ सीख. दिन भर खेल खेल खेल. ए जी क्या हो गया, क्यों चिल्लाते रहते हैं आजकल आप इस पर? अब क्या कर दिया गिल्लू ने कस्टमर? अरे होमवर्क किया नहीं और फुटबॉल खेल रहा है, ये एक्स फैक्टर है इसमें. पापा आपसे किसने कहा मैंने होमवर्क नहीं किया? होमवर्क तो मैं होम आने से पहले ही कर लेता हूँ. एक मिनट, ये देखिए. भैया इसने होमवर्क किया हुआ है फुल स्टॉप.
बताइए बड़े जेठ जी, आपने बिना वजह गिल्लू को डांट दिया, होमवर्क किया है उसने डरते डरते? हाँ। मनीष मिश्रा, ये तो किसी और की कॉपी है। देखो राम गिल्लू, इसने तो किसी और की कॉपी पर अपना कवर चढ़ाया हुआ है। देख गिल्लू, गिल्लू रुक जा, गिल्लू 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 बेटा मार खाएगा। गिल्लू देख, रुक जा बेटा, पापा मारेंगे। भैया गिल्लू रुक जा, अबे गिल्लू कहीं के, मैं दौड़ के हावड़ा पकड़ लेता हूँ तो तू किस ट्रैक की ट्रेन है बे? हाँ चल उठक बैठक लगा। सॉरी पापा। उठक बैठक लगा। अरे पापा। चल लगा, पूरी उठक बैठक लगा। गिल्लू कितनी प्यार से सॉरी कह रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना डरते डरते। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, जब तक इसकी चेन पुलिंग नहीं होगी ये सुधरने वाला नहीं है। पूरी उठक बैठक लगा। गुड, वेरी गुड भैया, काफी स्ट्रिक्ट हो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे गोमुख स्ट्रिक्ट होना पड़ता है भैया, अगर आप ऐसे ही गिल्लू पे नजर रखते रहे ना तो ये जरूर फर्स्ट आएगा। हाँ? अब क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। हाँ भाभी सही कह रही है, वैसे चॉइस तो भैया के पास भी नहीं है। ब्रैकेट ओपन, क्या मतलब? मतलब कि गिल्लू भाग चुका है डरते डरते। हाँ कमाल हो तुम लोग, गिल्लू गलती पे गलती कर रहा है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। भैया हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, फुल स्टॉप। क्या कहना चाहता है तू? चलो बताता हूँ। हाँ? आओ। अरे भाई ऐसी कौन सी बात है जो तू सिर्फ अपने कमरे में ही बता सकता था? भैया कुछ बताने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है, वो देखो सारी किताबें मुझे मुंह ज़बानी याद, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। इतनी मोटी मोटी किताबें मुंह ज़बानी याद है छोटे मोटे चेचे आपको? अब बताओ ये सब कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क। भैया अगर ये बात हमें पता होती तो वो तरीका हम गिल्लू पर नहीं आजमा लेते। कोई नई बात नहीं है कोयल, बाबूजी के डर की वजह से इसने ये सारी किताबें 10-10 बार पढ़ी हैं। फिर तो याद होगा ही ना। भैया बाबूजी के डर की वजह से नहीं, बाबूजी की खास टेक्निक की वजह से, फुल स्टॉप। आपको तो पता ही है बचपन में मुझे कहानियां सुनना कितना अच्छा लगता था। तो बाबूजी मुझे हर सब्जेक्ट को कहानी की तरह सुनाते थे और मुझे हर चीज अच्छे से याद हो जाती थी। डॉट 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 डॉट। बाबूजी की इस खास टेक्निक की वजह से मुझे हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगा और पढ़ाई में मेरा मन लग गया। डॉट 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 डॉट। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, क्यों ना हम ये टेक्निक गिल्लू पे आजमाएं डरते डरते। कोई नई बात नहीं है और कोई नया फायदा भी नहीं होने वाला इस टेक्निक से। अरे गिल्लू को तो कहानियां पसंद ही नहीं है। अरे हाँ, अरे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, फुल स्टॉप। भैया मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, इसलिए उसको पढ़ाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। डॉट 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 डॉट। तो टीचर जी अब आप ही बताइए गिल्लू पर कौन सी टेक्निक आजमाएं? भैया अगर टेक्निक ढूंढना इतना आसान होता तो कोई भी बच्चा सेकंड नहीं आता, सब फर्स्ट आते, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। भैया बात तो सही कह रहे हैं। ए जी हमें गिल्लू के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। लेकिन जो भी तरीका सोचो वो प्यार भरा होना चाहिए। भैया गुस्से से डांट से बच्चे और ज्यादा बिगड़ते हैं, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। गोमू कहीं के, मैं अपने बच्चे का दुश्मन थोड़ी हूँ। लेकिन आप उससे प्यार से भी तो बात नहीं करते, फुल स्टॉप। भैया गिल्लू को पढ़ाने का तरीका ढूंढने से पहले आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, दोस्त बनकर आप उसको जो भी समझाओगे आपकी बात जरूर मानेगा, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन।
हाँ आज क्रिसमस है। हाँ मैं तो भूल ही गया था, देख इट क्लोज। एक क्रिसमस ट्री कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल राजधानी की तरह। अबे गिल्लू कहीं के कहाँ से लेकर आया तू ये? लाएगा कहाँ से, मैंने दिलवाया। अच्छा अब क्रिसमस है तो घर में क्रिसमस दिखनी चाहिए। दादाजी कहते हैं कि हर त्योहार धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ अरे वाह, इसका मतलब आज सांता आएंगे हमारी गजर गिल्लू से मिलने। हाँ बेटा अब बच्चे जिस घर में होंगे वहाँ सांता को तो आना पड़ेगा ना। हाँ दादाजी, हम सॉक्स पे अपनी विश डालेंगे और सांता आकर हमारी विश पूरी करेंगे। जरूर गज बेटा, सांता अच्छे बच्चों की विश पूरी करते हैं, ऐसे बच्चों की नहीं जो माँ बाप की सुनते ना हो। या, क्या समझाया था आपको? डांट नहीं, प्यार प्यार। चाचू पापा को डांटने दो, मुझे पता है सांता कभी कोई बच्चे से मिलने नहीं आते, ये कहानी है, सब झूठ है। गिल्लू ऐसे क्यों कह रहे हो डरते डरते? मैं सच कह रहा हूँ चाची, एक्चुअल में तो सांता होते ही नहीं है, ये सब झूठ है। गिल्लू सांता ना भी आए तो भी एक बात तो पक्की है, वो जहाँ भी होंगे वहाँ से बच्चों की विश जरूर पूरी करेंगे। जी बाबूजी। नाश्ता दे दो बेटा। हाँ हाँ बाबूजी, लेकर आते हैं बाबूजी। चलना। ये मैं भी आता हूँ। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। भैया गिल्लू को पढ़ाने का तरीका ढूंढने से पहले आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्त बनकर आप उसको जो भी समझाओगे आपकी बात जरूर मानेगा। क्या बात है पापा, आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। अरे गिल्लू कहीं के, तुझ पे तो हमेशा मुझे प्यार आता है, इसलिए तो तू आज मेरे साथ यहाँ बैठा है। लेकिन पापा यहाँ पे तो चाचू बैठते हैं। हाँ कोई नई बात नहीं है, अब तू बड़ा हो गया ना, इसलिए तू मेरे दोस्त जैसा है, इसलिए तेरा भी हक बनता है कि तू मेरे साथ यहाँ बैठे। दोस्त? हाँ प्लीज पापा, काम की बात कीजिए। अबे गिल्लू कहीं के, एक दूंगा ना खींच के अभी। दादाजी चुप चुप। अच्छा गिल्लू मुझे एक बात बता, क्या तू सच में ये मानता है कि सांता किसी भी बच्चे से मिलने नहीं आते? बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन सोच, अगर सांता तुझसे मिलने आ गए तो? पापा जब आएंगे तब देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी बता, अगर सांता तुझसे मिलने आए और तेरी विश पूरी की तो क्या तू सांता की हर बात मानेगा? हाँ पापा मैं हर बात मानूंगा। लेकिन पापा ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मुझे सब पता है। अरे पापा हाँ? मैं चलूं, मुझे होमवर्क करना है। मम्मा मम्मा बाहर कोई, मम्मा बाहर कोई है, मम्मा मम्मा उठो, मम्मा देखो कोई है, मम्मा चलो देखते हैं, मम्मा उठो, मम्मा सोने दे गिल्लू। मम्मा उठो, मम्मा चलो। हाय राम, ये क्या था?
मयूरी की सेंटा क्लॉज। वैसे आप मयूरी के लिए क्या लेकर आए? सेंटा क्लॉज ने मयूरी के लिए इतना डांस किया, वो क्या कम है? अब सेंटा सिर्फ गिल्लू की विश पूरी करेगा। अरे वाह, फुटबॉल और है शूज और ये टी शर्ट। अरे वाह, टी शर्ट भी। लेकिन गिल्लू को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि फुटबॉल के साथ अब वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देगा और क्लास में फर्स्ट आकर दिखाएगा। चलो बेटा गिफ्ट ले लो और सांता को प्रॉमिस करो। गिल्लू ऐसे क्या खो रहे हो? डरते डरते बेटा ले ले। गिल्लू आप मुझे बच्चा समझते हैं क्या पापा? जो लॉलीपॉप दिया और अपना काम करवा लिया। आप यहाँ मेरी खुशी के लिए सेंटा क्लॉज बनकर नहीं आए थे, आप यहाँ मुझे बेवकूफ बनाने आए थे। मुझे ये गिफ्ट देकर मुझसे प्रॉमिस लेने आए थे कि मैं हर वक्त पढ़ाई करता रहूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा पापा। गिल्लू, पापा से इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तो क्या छोटों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात है दादाजी? गिल्लू बहुत बोल रहा है तू, चल पापा को सॉरी बोल। मैं सॉरी क्यों बोलूं? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। गिल्लू रुक। भैया फुल स्टॉप, क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चन मार्क। बेटा तू जा। अब इसकी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। घोटक, दिल छोटा मत कर बेटा। क्या है कि हर बच्चे की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता ही है जब उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसके दुश्मन हैं। सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा सा वक्त और दे बेटा। बाबूजी वक्त उन्हें दिया जाता है जिन्हें वक्त की अहमियत का पता हो। गिल्लू जैसे बदतमीज बच्चे को वक्त देना मतलब उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। या फिर गलत सोच रहे हो, फुल स्टॉप। क्या गलत सोच रहा हूं मैं गोमुख? अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचना गलत है क्या? और मैं चाहता क्या हूं? सिर्फ यही ना कि मेरी नैरो गेज ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन बन जाए। कितने प्यार से मैं उसके लिए सांता क्लॉज बना, उसके लिए ये सारी गिफ्ट्स लेकर आया, सबके सामने मेरी। बेटा मैं तेरी स्थिति समझ सकता हूं। बाप और बेटे के रिश्तों में ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। तुझे इस समय बहुत धैर्य, बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मुझे समझदारी दिखानी पड़ेगी। और समझदारी ये है मैं गिल्लू का एडमिशन एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में करवा दूं। ये क्या कह रहे हैं आप जी? आप गिल्लू को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे? नहीं, मैं गिल्लू को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। कोयल, अब गिल्लू बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.